तो हम किसकी बात कर रहे थे, यानी भारत के प्रमुख त्यौहार देख रहे थे, और इसमें हमने त्यौहारों में सिक्किम का देख लिया था। सिक्किम के हमने कौन आपके बताए थे, तो सिक्किम का हमने कहा सागा डावा, एक तो सागा डावा, दूसरा लोसांग, ये दोनों ध्यान दीजिएगा कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। इसके बाद बात करते हैं केरल, तो केरल का कौन है, ओनम, एक केरल का ओनम बहुत फेमस है, तो एक केरल का ओनम बहुत फेमस है। अब हमने ये बनाया था मानचित्र, आप भी मानचित्र में ऐसे बनाइए दर्शाइए, तो मानचित्र में जो ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद ये आपका उड़ीसा हो गया, तो इसी उड़ीसा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे उड़ीसा में यहाँ पर यानी त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो यानी नुआखई, तो नुआखई, यहाँ का नुआखई इम्पॉर्टेंट है, दूसरा रज पर्व, और तीसरा धनु यात्रा, कौन, धनु यात्रा, और तीसरा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। तो कौन उड़ीसा का हो गया, नुआखई, दूसरा धनु यात्रा, रज पर्व, और कौन, जगन्नाथ रथ यात्रा। ये कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। अब आइए उसी उड़ीसा के नीचे तमिलनाडु, जो ये भारत का मानचित्र बनाओ, जो ये वाला हिस्सा है यानी इसी को तमिलनाडु, तो ये फेमस है यहाँ का, ओणम केरल का है, ओणम केरल का है, और ये पोंगल कहाँ का है, पोंगल तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का। दूसरा जल्लीकट्टू, तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू ये बहुत फेमस है, पूछा जाता थाई पूसम, कौन सा त्यौहार, थाई पूसम, तो पोंगल, जल्लीकट्टू, थाई पूसम, और एक आप नहीं सुने होंगे, नाट्यांजलि भी तमिलनाडु का है, तो कौन हो गया, पोंगल हो गया, थाई पूसम हो गया, जल्लीकट्टू, नाट्यांजलि, ये तमिलनाडु का है। अगला फिर तेलंगाना का बता ही चुके हैं, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल बता चुके हैं, इसके बाद आइए कौन, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड और यूपी में कौन होता है, यानी गंगा दशहरा, पूछा जाए गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता, तो आप क्या कहेंगे, गंगा दशहरा उत्तराखंड में मनाया जाता है, और कुंभ मेला या आप मकर संक्रांति या जिसे खिचड़ी का त्यौहार आप कहते हैं, कुंभ मेला और खिचड़ी, ये कहाँ मनाया जाता है, यूपी में, कहाँ मनाया जाता, यूपी में, कहाँ मनाया जाता, यूपी में, गोवा में, ध्यान दीजिएगा, गोवा में कौन, तो दो है, एक मांडो, गोवा में एक मांडो, मांडू इसको मत मान लीजिएगा कि मांडू समझ के मध्य प्रदेश लगा दो, मांडो है, मांडो, और दूसरा है लडैन, मांडो व लडैन, LADAIN, लडैन, मांडो व लडैन गोवा, ये आपके कब पूछे गए, पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो कौन मांडो, दूसरा कौन होगा लडैन, और मध्य प्रदेश में खजुराहो उत्सव, मध्य प्रदेश में खजुराहो उत्सव, दूसरा मिजोरम, मिजोरम में आपका ध्यान दीजिएगा, एक कौन आपका बताए थे मिजोरम में, मिजोरम, तो मिजोरम में अगला कौन है, चवांगकुट, एक है चप, कौन, एक है चपचारकुट, एक चपचारकुट, चपचारकुट पूछा जाए तो ये कहाँ हमने कहा था, तो ये हमने कहा था चपचारकुट कहाँ मनाया जाता, पीछे बता चुके हैं आप, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो यहाँ पर कौन, चवांगकुट, कौन हो गया, चवांगकुट, अगर चवांगकुट पूछा जाए तो ये चवांगकुट मिजोरम में मनाया जाता है, कहाँ, मिजोरम। लेकिन संगई फेस्टिवल पूछा जाए, कौन, संगई, अभी ये क्या है, यानी ये आपस में एकतापन, एकपन दर्शाने के लिए हम सब एक हैं, वननेस हैं, वननेस का इसे त्यौहार संगई फेस्टिवल को कहा जाता, जो मणिपुर का है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन हो गया, संगई, संगई या संगाई, तो संगाई जो त्यौहार है यह मणिपुर में मनाया जाता है, तो मिजोरम में कौन, तो ये आपका हो गया चवांगकुट, चपचारकुट, चवांगकुट और चपचारकुट कहाँ मनाए जाते, मिजोरम में मनाए जाते हैं, बात समझ में आई। तो ये थे प्रमुख त्यौहार जो पूरे भारत के जितने भी थे, हमने क्या किया, आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप मानचित्र में इनको आप दर्शा करके याद करते हैं तो और अच्छे से आपको ये क्या होगा, याद हो जाएगा। एक बार फिर से सारे त्योहारों का जल्दी से हम क्या करवा देते आपको, रिवीजन। तो हमने कहा अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिए, या अभी जो चर्चा में रहा ये कहाँ, नागालैंड का हॉर्नबिल है, फिर आइए असम, असम में हमने कहा तीन हैं, एक आपका अंबुबाची, दूसरा बिहू, अंबुबाची बिहू, तो अंबुबाची बिहू, और ये बिहू भी तीन प्रकार के, बोहाग बिहू, माघ बिहू, और आपका अगला कौन हो गया, कटी बिहू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन, उगाड़ी, कर्नाटक में युगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरेह, सिंधी में
कौन हो गया? चेतीनाग अरुणाचल प्रदेश प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो गया? लोसर। और तेलंगाना में तीन बो नालू बतुकम्मा, बो नालू बतुकम्मा, और कौन हो गया? समक्का सरलम्मा यात्रा। अगला हो गया मेघालय में, हमने कहा कि मेघालय में गारो खासी जयंतिया तीन जनजाति जिसमें गारो के द्वारा वांगला और खासी के द्वारा नोंगक्रेम, गारो के द्वारा वांगला और खासी के द्वारा नोंगक्रेम। मिजोरम में हमने कहा दो हैं, एक चवांगकुट है और दूसरा कौन? चपचारकुट। तो चवांगकुट और चपचारकुट एक कहाँ? चपचारकुट और चवांगकुट अरुणाचल प्रदेश में, वो सॉरी मिजोरम में मनाए जाते। अब अरुणाचल प्रदेश में हमने कहा म्योको, कौन सा? म्योको ड्री और टोरिया। तो ये पहले म्योको ड्री, ये यहाँ की जनजाति कौन है? आपातानी, आपातानी के द्वारा मनाया जाता। और जो टोरिया है यहाँ की जनजाति मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। त्रिपुरा का कौन हो गया? खर्ची पूजा जो माता पृथ्वी को समर्पित है, सम्मान में मनाया जाता है। चेराबो, चेराबो कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला है सागा द्वारा, सागा डवा सिक्किम का, लोसांग सिक्किम का, ओनम केरल का। और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में नुई खई रज पर्व धनु यात्रा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा का है। अगला है थई पूसम, अगला कौन हो गया? जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के बाद पोंगल और उसके बाद थई पूसम। ये कहाँ मनाया जाता? तमिलनाडु में। अगला हो गया दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, गंगा यानी दशहरा कहाँ? उत्तराखंड में। कुंभ मेला खिचड़ी यूपी में। उसके बाद फिर आपका गोवा, गोवा का दो ध्यान रखिए, एक लडाइन और दूसरा मांडो। तो गोवा का लडाइन और मांडो हो गया, मध्य प्रदेश का खजुराहो उत्सव हो गया। इसके बाद फिर आपका चवांगकुट बता ही चुके, मिजोरम, चपचारकुट और कुट आ जाए, कोई भी कुट हो तो कहाँ का? मिजोरम का है। जब भी आप मिजोरम, रम अंत में आ रहा, रम भी जब पीते हो तब आप कूटे जाते हो, तो चपचारकुट कौन हो गया? चपचारकुट, चवांगकुट, मिजोरम। कहाँ का? मिजोरम। संगाई फेस्टिवल ये कहाँ है? तो ये मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर, जिसे फेस्टिवल ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से आप मानचित्र बनाइए, दिमाग में बैठाइए। तो एक बार हम एक सादे पेज, यहाँ सादा पेज, चलो स्पेस छूटा है, यहाँ आपको एक मानचित्र से याद करवा देते। फिर से ये मानचित्र बना लिए, ये पूर्वोत्तर भारत बना लिए, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। तो हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में यानी कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं? तो म्योको ड्री, म्योको ड्री कौन? अरुणाचल प्रदेश में म्योको ड्री। तो हमने मानचित्र में आपको बनाया क्या? म्योको ड्री, म्योको ड्री यहाँ की जनजाति आपातानी के द्वारा मनाया जाता। और अगला कौन होगा? टोरिया यानी कोन्याक जनजाति के द्वारा टोरिया मनाया जाता। और आपका लोसर, अरुणाचल प्रदेश की बात आइए, नीचे उतरिए, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोवात्सु, मोवात्सु ये नागालैंड में मनाया जाता। नागालैंड की बात आए मणिपुर, मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया जाता। और मणिपुर की बात आए मिजोरम, रम पियोगे तो कूटे जाओगे, तो कौन? चपचारकुट चवांगकुट, चपचारकुट चवांगकुट। इसके बाद आइए असम, असम में कौन मनाया जाता? तो असम में हमने क्या कहा? असम में अंबुबाची का मेला और दूसरा कौन? बिहू। बिहू में तीन कौन? बोहाग बिहू और उसके बाद कौन? कटी बिहू, माघ बिहू, तीन हो गए कहाँ? असम के। अब मेघालय यानी गारो खासी, तो गारो के द्वारा कौन? गारो और खासी, यहाँ की गारो खासी जनजातियां हैं, उनके द्वारा कौन से पर्व मनाए जाते, ये भी आप ध्यान रखिएगा। असम हो गया। और उसके बाद यहाँ यह सिक्किम, सिक्किम में कौन सा मनाया जाता? लोसांग। सिक्किम में कौन? लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता? सिक्किम में। तो इधर वाले पूरे हो गए। अब आइए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा मनाया जाता? तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन मनाया जाता? तो उड़ीसा में हमने कहा धनु यात्रा, रज पर्व, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा और कौन हमने कहा? तो एक और नुआखाई, ये ध्यान रखिए उड़ीसा में मनाया जाता। नीचे आइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए पर्व को क्या कहा जाता है? युगाडी। इसके बाद फिर आइए कर्नाटक, कर्नाटक में वाई से शुरू होता है युगाडी। महाराष्ट्र में नए साल को क्या कहा जाता? तो नए साल को क्या कहा जाता? गुडी पड़वा। तो गुडी पड़वा कहाँ हो गया? तो यहाँ आपका हो गया कौन? महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र की बात आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन हो गया? पोंगल। ओनम केरल, ओनम इधर, ओनम पूछा जाए तो केरल में, लेकिन पोंगल पूछा जाए, जल्लीकट्टू पूछा जाए, थाई पूसम पूछा जाए और थाई पूसम पूछा जाए तो ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु की बात आइए, अब आइए ये वाला पूरा कवर कर लिए। इसके बाद
पहुंच जाइए जम्मू कश्मीर, यानी ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में कौन, तो कश्मीर में नौरे है, कश्मीर में नौरे, यहीं पर सिंधी, 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 तो सिंधी के द्वारा नए साल को चेती चांद के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद यानी जो दशहरा पर्व के रूप में कौन, गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता, उत्तराखंड में मनाया जाता, यूपी आइए तो यूपी में कुंभ मेला यूपी में मनाया जाता, छठ पूजा पूछा जाए तो ये कहाँ मनाया जाता, बिहार में मनाया जाता, और छठ पूजा के बाद अब आइए यहाँ ये गोवा बचा, तो गोवा में हमने क्या कहा, तो इसमें लडैन, गोवा में एल ए डी ए आई एन, लडैन गोवा में, और मांडो कौन वाला, एम ए एन डी ओ मांडो, ये कहाँ, लडैन और मांडो गोवा में मनाया जाता, और ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन, खजुराहो उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये आपके भारत के कितने थे, सभी पर्व थे जो पूरी तरीके से समाप्त हुए। अगले टॉपिक की ओर चलते, अगला टॉपिक है फर्स्ट स्टेट आप ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, यानी वैश्विक जल संसाधन को लेकर के विश्व मौसम संगठन के द्वारा 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, तो रिपोर्ट में बताया गया जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, वेरीफाइड हाइड्रोलॉजिकल डेटा की एक्सेसिबिलिटी, यानी जो जल कहाँ कितना पाया जाता है इसका जो एक वेरीफाइड सत्यापित डेटा होना चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या ये समस्या है। अगला है कि जो लार्ज एरिया, लार्ज एरिया ड्रायर, यानी इसमें कहा गया 2021 की तुलना में 2022 में जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया सूखाग्रस्त हुआ है, यानी एरिया सूखाग्रस्त हुआ, पानी की कमी हुई तो एरिया क्या हो गया, सूखाग्रस्त हो गया। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स हैज लेफ्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन वल्नरेबल स्टेट, जो भी पानी से ग्रस्त सुभेद्य राज्य हैं वहाँ पर पानी का जो वितरण होना चाहिए वो वैश्विक यानी फूड सिक्योरिटी प्रबंधन, वैश्विक फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट की दिशा में क्या है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। अगला, इसमें फिर एक डेटा का इस्तेमाल किया गया 2001 और 2018, 2001 और 2018 की तुलना किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जल से संबंधित जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भारत जो ये 74% प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वह पानी की वजह से आई, किसकी वजह से, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई उनमें से 74%, एक दो नहीं पानी का महा समझिए, 74% जो प्राकृतिक आपदाएं उनमें पानी का ना होना एक प्रमुख रीजन रहा। इसके अलावा ये कहा गया लगभग 6 बिलियन यानी 6 अरब जनसंख्या ऐसी है जहां तक पानी की सुविधा की पहुंच आसानी से नहीं है, तो ये रिपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, ये क्लाइमेट, अगली फिर रिपोर्ट है जिसका नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ये विश्व बैंक के द्वारा, तो पहले यही पूछेगा कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, ये रिपोर्ट कौन जारी किया, तो ये विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। हाइलाइट्स इसमें क्या है, इसमें हाइलाइट्स हैं 2030 के आगे यानी कितना, तो 200 मिलियन लोग क्या हो जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा हीट वेव का, गंभीर हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। अगला, जिससे नौकरियां कितनी, 34 मिलियन लोगों की नौकरियां जाने का खतरा, और जब भी हीट वेव आएगा तो इसमें फूड शॉर्टेज भी, लगभग एक तिहाई आबादी यानी भोजन तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। अगला, इंपायरमेंटल क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कहां मना, यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया है किसको, सेंट्रल सरकार को, कि इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लाया जाना चाहिए। अगर इसकी बात करें कहाँ पाया जाता, तो ये सूखे घास के मैदान और स्क्रब लैंड, जो झाड़ी झाड़ियाँ होती वहाँ पाया जाता, और प्रमुख रूप से राजस्थान गुजरात जैसे राज्यों में दिखाई देता है, अन्य राज्यों में भी ये पाया जाता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में ये शामिल किया गया, साइट्स की पहली अपेंडिक्स में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की भी पहले अपेंडिक्स में, और IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न जीव घोषित किया गया है, तो इसलिए इसके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया। दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन जो निजी क्षेत्र का है ये बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसका सफल परीक्षण हुआ, कहाँ हुआ, तो स्कॉटलैंड के ओरकनी आइलैंड के बोस्कोम डाउन की गवर्नमेंट टेस्ट फैसिलिटी में इसका आयोजन किया गया। इसका निर्माण पूछे तो राल्स रायस
राल्स रायस व एजीजेड कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला युद्ध अभ्यास, यह भी चर्चा में बना हुआ क्योंकि इसका यूएसए और भारत यानी अभ्यास कर रहा, उत्तराखंड में हो रहा, 18वां संस्करण है, तो इस बात को भी आप लोग क्या ध्यान रखिएगा। अगला नमस्ते स्कीम, नमस्ते स्कीम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और साथ में महुआ, महुआ आप समझ चुके होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था नमस्ते स्कीम। ये केंद्र सरकार की पूरी तरीके से 100% फंडिंग से चलने वाली स्कीम, इसीलिए इसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा गया। इसके अंतर्गत इसकी यानी नमस्ते प्लेटफॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम, यानी इसमें जो हाथ से मैला धोने की प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए इसे लाया गया है। यह 4 सालों के लिए है, 2022-23 से 2025-26 के लिए चलेगी और इसका एलोकेशन फंडिंग कितनी की गई, 360 करोड़ रुपए की गई है। भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली गई 1 दिसंबर 2022 से लेकर अगले 30 नवम्बर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहने वाला है। और यह 17वीं मीटिंग अभी कहाँ हुई, बाली इंडोनेशिया में, 18वीं मीटिंग कहां होगी, तो 2023 में भारत में होने वाली है। अब इसकी बात करें G20 की, तो 1999 में स्थापना होती, विश्व की जीडीपी का 85%, व्यापार का 75%, जनसंख्या का 2/3 यानी 60% इसके द्वारा रखा जाता है, यानी इसमें इतना इंपॉर्टेंस है। 19 देश यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 इसमें है। इसका प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव कौन, तो विश्व बैंक IMF के द्वारा रिप्रेजेंटेशन भी यानी इसमें दिया जाता। कब इसकी स्थापना हुई, तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997-98 जिसे एशियन संकट के नाम से जाना जाता है, ये घटित हुआ उसी के बाद इसका स्थापना होती। लेकिन ध्यान रखिए इसका कोई परमानेंट यानी सचिवालय नहीं है, हर साल इसका ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन इसका सचिवालय तय होता है कहाँ होगा। अब इसकी 2023 की भारत ने जो थीम रखी है, वन अर्थ एक पृथ्वी, वन फैमिली एक परिवार, वन फ्यूचर एक भविष्य, भारत ने थीम रखी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से क्या है यानी से ये मोटिवेटेड है। तो ये आज का करंट का डिस्कशन रहा, ये वीडियो यहीं समाप्त करते, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।